तुम्हें एक काम करना। क्या ब्रो? ये जो शाहिद है ना, इससे मुतालिक हमें सारी इन्फो चाहिए। इन्फो? यार इन्फॉर्मेशन, मालूमात। भाई आज तो मैं अपने तियों के हाथ की रोटी पकी भी खाऊंगी, है ना। दादी जान के आगे कौन ठहर सकता है भला? She's so witty and dominating. Wow. लेकिन मुन्नी आपा, आपको तो कांच की चूड़ियां बहुत बुरी लगती थी। हा? वो एक्चुअली क्या है कि मेरी जूनी की खुशी है ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और आज मुझे ये चूड़ियां भी अच्छी लग रही हैं। आप चलो वो चिराग जलाते हैं। आपा चिराग जलाने नहीं है, चिराग सिर्फ लगाने थे, वो लग गए। मुन्नी आपा, आपका फोन बज रहा है। हाँ क्या? मुझे तो आवाज ही नहीं आई। हम दोनों को तो आ रही थी। अच्छा जी मुशर्रफ भाई, हम लोग तो बालकनी में हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप किधर हैं? बस हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी अपड़ जाएंगे। जल्दी से आ जाइए। जल्दी से हम आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है। अरे मुशर्रफ भाई आप भी ना, बस बस तो ये कान से फोन तो हटा। हाँ कान से तो हटा लेना चाहिए, जब बात ही नहीं हो रही। ले भाई मुन्नी, मुन्नी तो जनाब हाजी साहब खूब बनी सजी हुई है आज। हाँ जी वो मुशर्रफ भाई मेरी जूनी की खुशी है, आज मैं तैयार नहीं होंगी तो कौन तैयार? मैं और क्या। लो जी हाजी साहब, ये आपने यहाँ दिए शिये तो लाए हुए हैं, तो ये बालने भी हैं कि ये बस हमें बाल लगवानी है? नहीं मुशर्रफ भाई, रात तो हो ही गई है। हाँ। लेकिन पहला दीवा तो बेबे जी ही जलाती हैं, तो आए उनके पास चलते हैं। चलो फिर चलें, शुरुआत करें। हाँ जी इसमें आए जी। हेलो अमीर भाई, आई एम रियली सॉरी, असल में अरशद बाहर कॉफी लेने गया था तो आई थॉट कि वो आया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप बैठिए ना प्लीज। हाउ इज योर स्टमक? मच बेटर। वो सुनने में आया कि आज आपके लिए बड़ा स्पेशल पोरेज बनाया जा रहा था। तुम्हें किसने बताया? अरशद से। यार ये अरशद है ना, ये भी बहुत बड़ा लाउड स्पीकर है। ऐसे चलो छोड़ो, ये बताओ कि ये बाहर इतना कुछ हो रहा है और तुम दोनों यहाँ पर अंदर बैठे हो, ये चिराग वगैरह नहीं जलाने? किसके साथ? मुझे तो मीर भाई एक बात समझ नहीं आती, बाहर तो हम हर चीज मिलके एंजॉय करते थे, यहाँ पे आप जैसे ही घर में दाखिल हो तो औरतें अलहदा मर्द अलहदा, मतलब ये लोग मिलके क्यों नहीं एंजॉय करते? यार यहाँ का कल्चर ही ऐसा है ना। कैसा कल्चर है मीर भाई? मैंने तो सोसाइटी के बारे में एक ही बात नोट की है कि जब इनको खुद कुछ करना होता है ना तो सारी कल्चर और वैल्यूज भूल जाती हैं, और जब नहीं करना तो वही कल्चर और वैल्यूज याद आ जाती हैं। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी मोल्ड कर लेते हैं, अपने लिए स्टैंडर्ड डिफरेंट है और दूसरों के लिए डिफरेंट। दे हिपोक्रेट्स बेसिकली। क्या बात है, आज काफी गुस्से में लग रहे हो। नहीं अमीर भाई, बस इसी तरह मूड ठीक नहीं है। अच्छा चलो ये मूड शूट ठीक करो, ऐसा करते हैं कि बाहर ओपन में चल के बैठते हैं। वो मेरा हैंडीकैम कहाँ है? वो पड़ा हुआ है शेल्फ पे। चल ना यार चलते हैं, कुछ और नहीं तो जूनी के थीसिस के लिए कल्चरल वीडियो बना लेते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर में मर्द दिया कैसे जलाते हैं। चल चलें। नो यू गाइस कैरी ऑन, मैं नहीं जा रहा। चल ना यार चलते हैं। क्या जैक, डोंट इंसिस्ट, ओके जस्ट गो। शाहिद किधर है? आजा मेरा पुत्र, आजा शाबाश है। कुड़िया तू भी आ, आजा 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 आजा। ले आ भी दीवे लेके। लो जी चल इस तरह इधर कर ले। ले पुत्र अब तू जला। हाँ चल। शायद बेटे ने भी बाल लिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह।
जल नहीं रही बच्ची हा? हाँ जी मुन्नी तो नहीं पीछे रह सकती जा भी मुन्नी दिया हाँ जी तीरा नहीं चली गई लो क्या हुआ लो जी भैंसी मेरा ख्याल शर्मा गई है देखें ये कैसी हमारी तहजीब है हमारी बच्चियां आजकल के जमाने के अंदर भी ऐसी को मौका हो तो बस शर्मा जाती हौले हौले टप 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 लगी हुई है चंगी तरह ढोलकी बजाओ जान नाल चाओ चाओ शाबाश चलो हां शाबाश कैसा लग रहा है हां ठीक लग रहा है बस ठीक अभी आप ऊपर आए ना मेहंदी लगवा लें मेहंदी जी हाँ आपका दादी अम्मी ने बुलाया है आए ना दादी बुला रही है चलो मैं तो ये सोच रहा था कि शायद से मैं खुद बात करता हूँ उसको बताता हूँ कि मैं जोनी से शादी करना चाहता हूँ फिर वो क्या करेगा ब्रो मेरे ख्याल में दो चीजें होंगी एक तो मंगनी टूटेगी और दूसरा तेरी हड्डी चल मंगनी तो टूट जाएगी ना हाँ लेकिन इन दोनों सूरतों में फायदा मुझे वो मंगनी से इनकार कर देगा और तू मंगनी के काबिल नहीं रहेगा हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं थी Thanks for telling, by the way. तो तू अब शायद ब्रो से नहीं मिलेगा नहीं चल फिर ऐसा करते हैं कि चेंज करते हैं और सो जाते सुबह सुबह उठा देंगे यार जूनी कल तेरी मंगनी है आई नो सैम तुम खुश तो हो ना सैम ये सवाल तुम मुझसे 25 दफा कर चुकी हो तो मैं क्या करूं मुझे नहीं यकीन आ रहा क्यों यकीन नहीं आ रहा क्योंकि पता नहीं शायद ब्रो बहुत डिफरेंट है डिफरेंट किस तरह यार जूनी वो तेरी तरह फुल ऑफ लाइफ नहीं है तुम ये मत समझना कि मैं उनकी कोई बुराई कर रही हूँ वो बहुत अच्छे हैं सबका बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन बस तेरे साथ कुछ मिसमैच है तो क्या करूँ सैम भाग जाओ सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तुम कितनी फुल ऑफ लाइफ हो वो नहीं है एक और आइडिया है मेरे पास वैसे ना कर देती हूँ मैंने ये तो नहीं कहा सैम मुझे एक बात बताओ तुम्हारी हर बात से मुझे इस तरफ इशारा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ना करने को कह रही हो नहीं मैं ऐसा तो नहीं कह रही थी सैम अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आ भी रहा है ना तो उसको अपने दिमाग से निकाल कर दूर कहीं फेंक दो घर में सब कितने खुश लग रहे हैं और मुन्नी आपा तो कुछ ज्यादा ही खुश है आज हाँ मुन्नी आपा कितनी डिफरेंट लग रही है मुन्नी आपा लग ही नहीं रही हाँ सीरियसली बहुत डिफरेंट लग रही थी ना मुन्नी आपा को प्यार जो हो गया है शट अप यार बदतमीज हाँ तो मुझे तो ऐसा ही लगा ना शर्म करो जूनी ऐसे बोलते मुन्नी आपा के बारे में सैम बस कर दो प्लीज अब मेरा और सर मत खाओ मुझे कल इतना भारी जेवर और ड्रेस पहनना है लेट मी स्लीप ओके गुड नाइट जूनी तुम खुश तो हो ना बशीरिया जी चौधरी जी इस टोकरी में क्या है
लड्डू है बीबी जी? लड्डू है? हाँ है, इतनी जल्दी सवेरे सवेरे लेके आ गया, शाम तक तो बासी हो जाएंगे। चंद्रानी जी, हाजी साहब ने भेजे हैं। अच्छा, हाजी साहब ने भेजे हैं, तो चल फिर ठीक है। चल इसमें से एक लड्डू काट, मुझे चखा जरा, देखूं कि वो भी असली है कि नहीं। जल्दी कर। ना बशीरिया ना, मन्ना डंडी मार गया कि वो असली नहीं है। चौधरानी जी, अगर आप हुक्म करें तो मैं वापस करके आऊं जी। ओ नहीं नहीं, रहने दे, अब हाजी साहब ने भेजे हैं तो छड़ परे, पड़े रहने दे। क्या कर रही हो भाई? इनसे मिलो, ये है नगीना, इन्हें मैंने खास तौर पर सियालकोट से बुलवाया आप लोगों के मेकअप के लिए। हेलो। बहुत प्यारी आपकी बहू है, फोटोजेनिक फेस है इनका। ये मेरी बहू की बहन है, मेरी बहू तो वो है। अस्सलाम वालेकुम। ये भी बहुत प्यारी हैं, इनका फोटोजेनिक फेस है। ये नगीना है, सियालकोट से आई है खास तौर पर मेकअप करने के लिए। किसका मेकअप? चंदा, हम सबका मेकअप करेंगी, और किसका? अच्छा, बहुत प्यारी बातें करती हैं, इनकी स्माइल फोटोजेनिक है, बिल्कुल मेरी क्लाइंट फिल्म स्टार मीरा जैसी। मीरा आपकी क्लाइंट है, फिल्म स्टार मीरा? तो और क्या, फिल्म स्टार मीरा, रेशम, रीमा, गुलुकारा, शादा मीने और टीवी के बहुत सारे स्टार, ये सब मेरे बिजनेस क्लाइंट हैं। और ये जब भी सियालकोट आती हैं फंक्शन के लिए, मुझसे ही तो मेकअप करवाती हैं। एक दफ़ा तो भला क्या हुआ, मैं रीमा का मेकअप कर रही थी, ऊपर से आ गई मीरा। उसने किसी पार्टी पर जल्दी पहुंचना था, वो कहती पहले मेरा मेकअप करो, तो इन दोनों की आपस में फाइट हो गई, तो मैं परेशान हो गई, मैं कहा मैं क्या करूं। फिर आपने क्या किया? पहले मैंने दोनों को कूल डाउन किया, फिर साथ साथ बिठाकर मेकअप किया, फिर जाकर कहीं बात बनी। तो जुनी, आप कौन सा मेकअप कराना पसंद करेंगी, फिल्म स्टार रीमा वाला या फोटोजेनिक स्माइल मीरा वाला? मैं तो बिल्कुल शायदा मिनी बनना चाहती हूँ। आपकी सिस्टर बहुत नोटी है जी, फोटोजेनिक फेज है ना इसलिए। तो फिर आप मेकअप के लिए तैयार हैं? चलें। जी जी तैयार हैं, चलें। ओ, ब्रिटनी का एसएमएस आया है। जैक, ब्रिटनी इज हैविंग अ पर्सनल मीटिंग विद शाहिद्स काउंसलर टुडे। अरे यार, मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ होगा यार, पर्सनल काउंसलर के पास तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड होगा, उसको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। बल्कि रुक, मैं खुद उसे एसएमएस करता हूं कि वो पर्सनल काउंसलर के बाद पुलिस का रिकॉर्ड चेक कर ले। डूड, मुझे लगता है कि ये सब प्रैक्टिस बेकार है, क्योंकि अगर इन एनी वे शाहिद को हम डंप करा भी दें, तो जोनी के दिल में अगर हम जगह ना बना पाए तो ये सब रबिश नहीं होगा यार। व्हाई आर यू बीइंग सो इंपेशेंट? जस्ट वेट एंड सी हाउ थिंग्स मूव। बड़ी सीटियां पे जा रहा है, क्या हुआ तुझे? जोनी का एसएमएस आया, पूछ रही है दैट हाउ आर यू। तो ब्रो, ये एसएमएस नहीं, सिग्नल है। सिग्नल किस बात का? चल छोड़ ना, अब जेलसी छोड़। मैं जेलस नहीं हो रहा, मैं वाकई में पूछना चाह रहा हूँ कि तू किस बात पे खुश हो रहा है। इसी बात में, उसने पूछा है हाउ आर यू। तो मतलब शी केयर्स अबाउट मी। सो व्हाट, ये तो कोई भी किसी से पूछ सकता है। ऐसा नहीं है ब्रो, शी लाइक्स मी, और वो ये कंफर्म करना चाह रही है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। ये जैक सिर्फ तेरी अपनी दिमाग की बनाई हुई स्टोरीज है, नथिंग एल्स। शट अप। अच्छा बताना क्या लिखूं? तू उसको लिख आई लव यू। आई नहीं यार, आई गेस इट्स टू अर्ली फॉर दिस। ये बात करने के लिए ना एक प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, प्राइवेसी हो, फिर तेरा बॉय ये बात करे तो मजा जरा ज्यादा आता है, यू नो। वैसे मैं तेरी जगह होता ना, तो मैं फौरन से पहले उसको आई लव यू बोल दूं। अच्छा, बात दे, इसलिए तुझे ये एसएमएस नहीं आया। Would you please give me 3 seconds कि मैं ये मैसेज लिख लूं? क्या लिखा है? हाँ? क्या लिखा है? तो प्राइवेट, लेकिन तुझे बता देता हूँ। मैंने लिखा है कि डोंट वरी, एवरीथिंग्स गोइंग टू बी ओके। अच्छा, तो इससे उसको क्या समझ आएगी? यार तुझे कहा ना, तू ज्यादा मत सोच। थैंक यू। देखो उसको समझ आ गई, उसने कहा थैंक यू। तो उसके थैंक यू से तुझे क्या सिग्नल मिला? यार तुझे मैंने कहा ना, तू ज्यादा मत सोच, उसको जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो समझ ले। मतलब कौन सा मैसेज, क्या समझ आया? मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता। अरे यार, अर्शद ब्रो की कॉल आ। हेलो
आ रहे हैं ना ब्रो यार, यार उनसे कहो हम आ रहे हैं प्लीज। मुशर्रफ अंकल बुला। अच्छा अर्शद ने सिग्नल सही दिया तुझे? शट अप। चले चल आ जा, लेट्स गो। अब तुझे उतारेगा कौन? ओ भाई चैंपियन है, खुद ही उतरेगा। लेट्स गो। यार अंकल मुझ भी ना एंड टाइम पे कॉल ही करते हैं, मैं जंप मार के उतरूंगा, तू चलाऊंगा। ओके हेलो। आप रात को ढोलक पर गीत गाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपने कब देखा? रात को भी देखा था और अब फिर से देख रहा हूँ। ख्वाबों में? वो तो मैं कई बरसों से देख ही रहा हूँ। आप भी ना बस। अच्छा बताएं ना आपने मुझे कहाँ देखा? मैं और जैक कल रात को छत पर चढ़कर आप लोगों को देख रहे थे। क्या किसी ने मना नहीं किया? भाई किसकी जरूरत है कि हमें मना करता, हमने तो वीडियो भी बना ली। हाय किसी ने देखा तो नहीं? नहीं शुक्र है। पता है यहाँ ये सब कुछ बहुत बुरा समझा जाता है, ये यकीनन जैक की शरारत होगी, ये दोनों लड़के बहुत शरारती हैं। अरे नहीं नहीं मैंने ही उसे कहा था। क्या आप कब से इतने शरारती हो गए? आप ही से तो शरारतें सीखी हैं। अच्छा आपको याद है एक दफा वो हम जब माल रोड पे गए थे और फिर हम वहाँ पे चाइनीज में खाना खाने के लिए चले गए और बहुत सारी डिशेज ऑर्डर कर दी, आपके पास पैसे भी बहुत कम थे और मेरे पास भी बहुत कम थे, और एंड में आपने खाने में अपना बाल डाल दिया और शोर मचा दिया कि खाने में बाल है। वो याद है आपको, मैनेजर के तो छक्के छूट गए थे और बार बार हमसे माफिया मांग रहा था वो बेचारा। अच्छा बस करे वरना हंस हंस के मेरे पेट में बल पड़ जाएंगे प्लीज। अच्छा ये बताएं कि आज आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हैं? पिंक। आपको पिंक कलर अच्छा लगता है ना? वैसे भी पिंक आपको बहुत सूट करता है। तो क्या आप मुझ पर दूसरे कलर सूट नहीं करते? नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ें, आपका जो भी मतलब था मैं बस आपसे नाराज़ हूँ। अरे नहीं मुनीजा प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें, मैंने तो I'm so sorry. अच्छा ठीक है, एक बात पर माफी होगी, तीन मर्तबा आप मुझे सॉरी बोलेंगे। ओके आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलें आप भी क्या याद करेंगे, मैंने आपको माफ किया। मुनिया पा अब बाद में बात करती हूँ। हाँ मुनिया पा पार्लर वाली आ गई है, चले। हाँ चाचा अमीर भाई कॉफ़ी। हाँ अर्शद यार अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे तुझसे एक ज़रूरी काम। खैरियत अमीर भाई? यार तुम्हें मेरा एक काम करना। एक नहीं जी आप दो बताएं। एक ही कर दो, लेकिन यार ये तुमने किसी को बताना नहीं है। काम सीक्रेट तो नहीं ना? यार सीक्रेट ही है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि किसी को बताना ना। अमीर भाई ये कुआँ है, चीज़ एक बार अंदर चली जाए ना फिर बाहर नहीं आती। लेकिन कुएं में से कुछ चीज़ें पानी की सतह पर आ जाती हैं। लेकिन निकालने के लिए डोल की ज़रूरत होती है और वो यहाँ किसी के पास है ही नहीं। चलो यार तुम जो कोई भी हो मेरा ये छोटा सा काम कर दो। बोले एक बात तो पता करो कि जनान खाने में सब ठीक है? कौन ठीक है जी? कौन नहीं सब। सब में कौन? मुनीजा। मुन्नी आपा? हाँ तुम्हारी मुन्नी आपा। कौन दोबारा बताएं? मुनीजा तुम्हारी मुन्नी आपा। मुन्नी आपा। अच्छा पता क्या करना है? पता सिर्फ ये करना है यार कि सब ठीक है ना। क्यों कि क्या कुछ खराब हो गया? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। अमीर भाई अगर है तो खुल के बताएं, मैं सारी स्टोरी फिट कर दूंगा। यार वो हुआ तो कुछ भी नहीं, वो हम फोन पे बातें कर रहे थे तो अचानक उसने फोन बंद कर दिया। जी
आपने क्या कहा? मैंने कहा कि हम फोन पे बातें कर रहे थे कि अचानक उसने फोन बंद कर दिया। अमीर भाई कोई आ गया होगा, और यहाँ तो वैसे ही प्राइवेट बात करने के लिए ना वो खेतों में जाना पड़ता है। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो अब तक मुझे मैसेज कर देती। हो सकता है उनका बैलेंस खत्म हो गया हो। हाँ ये हो सकता है। अच्छा तुम एक काम करो ना यार, तुम ऐसा करो कि ये 1000 रुपये का फोन चार्ज करवा दो। ठीक है, वो मेरा भी बैलेंस खत्म हो गया है। ये लो, तुम भी 500 रुपये का चार्ज करवा लो। मुझे जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर आप इतना जोर लगा रहे तो करवा लेता हूँ। आपका बैलेंस तो है ना, अब जा रहा हूँ आपके लिए भी लेता हूँ। नहीं मेरा पोस्टपेड है। फिर ठीक है, बार बार कार्ड कौन लाएगा। चले मैं चलता हूँ जी। हाँ अर्शद यार, ये काम याद से कर देना। हो गया जी हो गया, आपका भी काम हो गया। यहाँ तो सबके काम हो रहे हैं, छोटे से लेके बड़े की फिल्में चल रही हैं। अर्शद ब्रो, वो तुझे कब प्यार होगा यार। यार मुन्नी फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही। मुन्नियापा आपका मेकअप इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। फिल्म स्टार रेशम वाला मेकअप किया है, वो हर खास शो में मुझसे ही तो मेकअप करवाती हैं। अभी कल ही तो मैंने जाना उनका मेकअप करने। अच्छा मैडम, मेरी बारी कब आएगी। देखो स्वीटी, मैं अपने क्लाइंट को उस वक्त तक होल्ड ऑन करती हूँ जब तक उनकी तसल्ली ना हो जाए। आपा आप कब तक होल्ड ऑन होके बैठने वाली हैं। बस 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 हो गया हो गया, बस ठीक है ठीक है, लिपस्टिक मुझे। और जूनी तुम्हारा सबसे हैवी मेकअप है, सबसे हैंड प्रूफ। ओके नो प्रॉब्लम, लिपस्टिक लिपस्टिक ये आते हैं। आप आ रहे हैं। ओके 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 ओके। सैम क्या बात है, सब्र करो बताती हूँ। हुआ क्या है तुम्हें, पता है क्या हुआ है। नहीं मुन्नी आपा हंस हंस के किसी से फोन पे बातें करेंगी, और मेरे जाते ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। तुम्हें अब पता चले, मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि उनकी पुरानी मोहब्बत जाग उठी है। क्या यार जूनी, इस उम्र में कौन सी पुरानी मोहब्बत। ये पुराना इश्क है, कोई आज की बात तो नहीं है। और मुझे तो ये भी पता है कि दूसरी साइड पे कौन है। डोंट टेल मी, ये नहीं हो सकता। सैम ये हो चुका है, जिस दिन अंकल ने अपनी स्टोरी सुनाई थी मुझे तो तभी पता चल गया था कि उनकी लव स्टोरी में जो लड़की है वो मुन्नी आपा है। आई कांट बिलीव दिस, लेकिन तुम्हें किसने बताया। किसी ने नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता। सैम मैं तुम्हारी तरह हिसाब किताब तो नहीं करती, लेकिन मेरे पास एक दिमाग है और वो काम करता है। मुझे तो अमीर अंकल की स्टोरी बताने पर ही पता चल गया था कि वो जो स्टोरी है वो मुन्नी आपा और उनकी है। वही तो पूछ रही हूँ, कैसे पता चल गया था। सैम देयर इज दिस थिंग कॉल्ड सिक्स सेंस। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मेरा ख्याल था तुम इतना प्लस माइनस जो करती हो तो खुद ही समझ जाओगी, इट वाज सो ऑब्वियस। यार एक्चुअली बात ये है कि मैंने सिर्फ ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगता है किसी ने भी नहीं दिया होगा, तुम भी ना। प्लीज मेरा तो ख्याल है कि शॉन को पता ही होगा। शॉन ने बताया तुम्हें। नहीं सैम, सिक्स सेंस। अच्छा तो और क्या क्या कहती है आपकी सिक्स सेंस। मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि मैं एक भूत हूँ, अगर तुमने मुझसे एक भी सवाल और किया ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी और उस नगीना को भी। तेरी कॉल आ रही है। ब्रिटनी, हेलो ब्रिटनी, व्हाट्स अप, व्हाट, द गाइज क्लीन। Listen, did you check with the cops? Are you sure? All right, thanks. Brittany, listen, I'm driving actually, I'll call you later. Bro! Hey Arshad, bro, mera kulla laya kya? Ji boss, laya! बॉस आज आप भी ब्रो लग रहे हैं। अजो कल भेजो नहीं चलो। Thank you.
पशी दे जी। आजी साहब और मेरा खुसा ले आ फटाफट। अच्छा जी। ओ छेती कर मेहमान आ गए ने तुहानू। ओ बिस्मिल्लाह सेदा नहीं हो कर शाबाश लिया 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 छेती कर। माशाल्लाह मेरा पुत्र तो चनका टोटा है चनका टोटा। अल्लाह मियाँ तुझे नजरें बद से बचाए। आओ जी आज जी माशाल्लाह बैठो बैठो। वाह जी वाह कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी धी है। बैठ के शुरू करें हैं जी। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह खैर से अल्लाह खैर करे। मुबारक हो जी मुबारक हो मुबारक। सोनी लग रही है। मुबारक हो माँ जी। खैर मुबारक करूँ। मुबारक जनाब आपको भी मुबारक है। बेबे जी मुबारक। हाँ खैर मेहरबानी जनाब शुक्रिया। मुबारक हो जी सबको। अच्छा मुशर्रफ पुत्र जी मेरा ख्याल है शादी और मंगनी के दरमियान में वक्फा ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। नहीं जी नहीं बस इस महीने के अंदर अंदर ब्याह कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बेजी जैसा आपका हुक्म। आ जाए भाई आ जाए खाना खुल गया। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। जोनी तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ क्यों बुलाया? जोनी आज गांव में आखिरी रात है और ऊपर से फुल मून। आई थॉट तुम्हें एसएमएस करके ऊपर बुलाऊं ये दिखाऊं सब कुछ। इजंट इट ब्यूटीफुल? इट इज इट रियली इज। ओह माय गॉड आई लव द फुल मून। यस सोनी
शॉन की तुम कैसे बैठे हुए, तुम्हें डर नहीं लग रहा? लगता था पर आज नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आज शायद तुम मेरे साथ हो। तो इसमें ऐसी क्या खास बात हो गई? सोनी, डर इंसान के दिल में होता है और जब दिल में कोई और आ जाए तो फिर डर की जगह नहीं रहती। But I am really scared of heights. लो फिर आज तुम्हारा भी डर निकाल लेते हैं। Come, give me your hand. No way, I am not coming there. You kidding, right? Zuni, trust me. लेकिन Sean, तुम्हें सिर्फ मेरी आंखों में देखना है। Come. अब डर लग रहा है? हाँ। अब डर लग रहा है? हाँ। अब डर लग रहा है? नहीं। बस मैं यही चाहता हूँ। माय गॉड, शॉन! ये कैसा मजाक था शॉन? तुमने मेरी जान निकाल दी। I hate you. गेस्ट हाउस में आप ठहरे हुए हैं तो आप ले लें, कार सारे अपने खाली हैं, 0 मीटर कार हैं, जिस किसी में रहे आप। थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आज शाम को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। खैर, रमजान बता रहा था कि कोई प्राइवेट कुरियर वाला ये कहकर गया है कि जूनी बीबी के कमरे में ये फूल रख दे। ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता ब्रो, ये फजूल की ख्वारी है बस।